विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज शहरी विकास जो यात्रा स्टार्ट हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के एक बड़े संकल्प अभियान के तहत जो विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हुई है वो राजस्थान के प्रत्येक स्थानीय निकाय तक जाएगी। और ये गौरव की बात है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और ये मानता हूँ कि आने वाला समय भारत का समय है। ये सदी भारत की सदी है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सर्वांगीण विकास करते हुए एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व का न सिर्फ नेतृत्व करेगा वरन विश्व को एक अलग आध्यात्म की राह पर, एक अलग विकास की राह पर ले जाएगा। आने वाले 5 साल बाद क्या विकास देखने को मिलेगा राजस्थान का? आप राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, मैं मानता हूँ कि ये 5 साल राजस्थान के विकास में, राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार का जो प्रभाव राजस्थान में दिखेगा वो हमें साफ साफ नज़र आना प्रारंभ होएगा। 2024 के अंदर एक बार पुनः भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जब दिल्ली में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व संभालेंगे तो उसका बहुत बड़ा और सीधा लाभ राजस्थान की जनता को भी मिलने वाला है। नगर निगम ग्रेटर का क्या योगदान रहेगा इसमें? नगर निगम ग्रेटर हर क्षण जयपुर के नागरिकों के साथ है। उनकी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम लोग उनसे सीधा जुड़े हुए हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता का एक इतना बड़ा अभियान प्रारंभ किया हुआ है उसमें अपना योगदान दे और तन मन धन से, तन मन के साथ, पूरे एक कमिटमेंट के साथ अपने कार्य को अंजाम दें। इस बार क्या लगता है स्वच्छता रैंकिंग में ग्रेटर नगर निगम का क्या रैंकिंग? उससे हमारी रैंकिंग सुधरेगी, निश्चित रूप से हम उस रैंकिंग को सुधारने का प्रयास भी करेंगे, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता भी है।